खबरों में बात करेंगे पन्ना की। जिला चिकित्सालय में हाई वोल्टेज ड्रामा का हुआ अंत। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रिल काटकर मरीज को निकाला गया बाहर। आपको बता दें, आज पन्ना जिला चिकित्सालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टीबी की बीमारी से ग्रसित एक मरीज जिसका नाम राम प्यारे प्रजापति था, अचानक उसे घबराहट हुई और घबराहट होने पर उसने टीबी वार्ड के अंदर दरवाजे की कुंडी लगाकर जमकर हंगामा किया। जैसे ही अस्पताल प्रबंधन को इस हंगामे की जानकारी लगी, अस्पताल प्रबंधन ने तमाम प्रयास किए लेकिन मरीज बाहर आने को तैयार नहीं था। ऐसे में कोतवाली पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मरीज को समझाने की कोशिश की लेकिन फिर भी मरीज ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार अस्पताल प्रबंधन को बाजू में लगी खिड़की काटकर अंदर जाकर दरवाजे खुलवाने पड़े। गेट खोलकर प्रबंधन ने जब अंदर देखा तो मरीज अचेत अवस्था में था। डॉक्टरी परीक्षण के बाद उसे ऑक्सीजन लगाई गई और दो घंटे तक ड्रामा चलता रहा। मरीज की पत्नी कहती है कि पति की हालत दिमागी तौर पर खराब है, इसलिए दरवाज़ा खुलवाने में देर हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं मरीज प्यारे लाल की पत्नी मिथिलेश प्रजापति का क्या कहना है पूरे मामले को लेकर। सर, हम कल आए थे 1 बजे, सुबह भर्ती हो गए तो अच्छे थे और अब रात से परेशान कर रहे थे सर। 2 बजे रात को उठ के भाग गए और से पका रहे तो नहीं आ रहे, फिर वहीं लेट आए रहे सुबह ले आए, फिर सुबह नहाए धोवाए एक्सरे को ले गए तो वहीं भाग दिए, तो वहाँ से ढूंढ के ले आए तो यहाँ आए तो डॉक्टर साहब आए तो अंदर हो गए, उन्होंने खिड़की लगा ली और खिड़की लगा के अब परेशान कर रहे तो हमको घर ले जाना। कैसी परेशान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घबराहट हो रही। और कमरे में बंद करने की घटना कैसे क्या थी? कमरे में बंद कर सर, और फिर खिड़की नहीं खोला है तो खिड़की तोड़ कर बाहर में निकाला सर। खिड़की तोड़ के इनको बाहर निकाला गया है? नहीं, अंदर से एक आदमी को बैठा खिड़की तोड़ के, फिर उन्होंने गेट खोले फिर निकाला। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप सर, हम घर चाहते हैं। क्यों घर क्यों नहीं, इलाज क्यों नहीं करवाना आपको? कौन सी बीमारी बताई डॉक्टरों ने? टीबी की बताई सर, इलाज चल रहा है। चलिए, नाम आपका? कहाँ से हैं? हालांकि परीक्षण के बाद 2 घंटे मरीज को ऑक्सीजन पर रखा गया और मरीज की स्थिति सामान्य हुई। सामान्य स्थिति होने पर परिजन उसे अपने घर ले गए, वहीं डॉक्टर ने मरीज की दिमागी स्थिति ठीक ना होने के चलते उसे बाहर रेफर कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं टीबी की बीमारी से ग्रसित मरीज ने 2 घंटे तक पन्ना अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा किया और इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो गई। जब पूरे हंगामे के मामले को लेकर हमने टीबी मरीज प्यारे लाल प्रजापति से जानना चाहा कि वह वजह क्या थी जिस वजह के चलते उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, तब प्यारे लाल कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोल पाया। आप भी देखिए। दादा बताओ, क्या होगा आपका, कहा आपके संगे ऐसा कब हो गया, आपने अपने आप का बंद कर लो तो थे कहा होगा? फिलहाल पन्ना के डॉक्टरों ने प्यारे लाल प्रजापति का इलाज कर दिया है और आपको बता दें डॉक्टरों की सलाह है कि प्यारे लाल का कहीं बाहर इलाज कराया जाए, इसलिए उन्होंने बाहर के लिए प्यारे लाल को रेफर भी कर दिया है।